दोस्तों उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। ये सामने से आ रही है 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस, जो कि ये भी 55 डेज बाद बहाल होने जा रही है। मिल्लत एक्सप्रेस 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस कोचेस की अलाइनमेंट इसकी है कि दो बिजनेस क्लास लगती है इसमें, फैसलाबाद तक ये होती है ये इसी बिजनेस क्लास। उसके बाद ये इसका रेक हाफ होकर ये सीधा लाला मूसा जाती है, जो कि तमाम कोचेस मुश्तमल होती हैं इकोनॉमी क्लास पे। ये जी एक एसी स्टैंडर्ड लगता है इसमें, सॉरी एक डाइनिंग कार लगी हुई है आज माशाल्लाह से, वाह। आज दोस्तों 17 अप मिल्लत एक्सप्रेस पे एसी डाइनिंग कार भी लगी हुई है, ये बहुत ही अच्छी बात है। और मुझे कोचेस जो हैं वो साफ उतरी लग रही है, सीएनआर लगी हुई है। अभी आपको मैं कोचेस का अंदर से रिव्यू भी दूंगा। दोस्तों मैंने आपको कोचेस दिखाई थी जब प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे पहुंच रही थी। ये अभी लोड हो रहा है सारा सामान जो भी जा रहा है लाला मूसा फैसलाबाद तक जो भी है। तो अभी आपको मैं दिखाता हूँ, मुसाफिर बोर्ड हो रहे हैं। ये भी 255 डेज बाद बहाल हो रही है। दोस्तों ये ट्रेन जो है कराची से मुल्तान नहीं जाती है, ये वाया कोर्ट लाइन, यानी कोर्ट लाइन से मुराद लोधरा, जहानिया और खानेवाल से होते हुए, खानेवाल वज़ीराबाद ब्रांच लाइन से होते हुए, सॉरी ये चक जुमराली लाइन से जाती है आगे सरगोधा और फिर लाला मूसा। इधर भी दोस्तों काफ़ी रश है क्योंकि बहुत ही पॉपुलर ट्रेन है ये मिल्लत एक्सप्रेस। अभी कैंट से निकलने के बाद दोस्तों ये ट्रेन पहला स्टॉप करेगी डिग रोड पे। फैसलाबाद और लाला मूसा की जो हैं मुसाफिर वो काफ़ी खुश हैं। फिक्स 5 बजे दोस्तों इसका टाइम था डिपार्चर का, लेकिन आज ये लेट होगी क्योंकि ये तकरीबन 4:55 पे ये प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे प्लेस हुई है। तो आज ये लेट ही रवाना होगी यहाँ से कैंट स्टेशन से। एंड तक मैं आपको इस कोच की अलाइनमेंट दिखा रहा हूँ और इसका जो किराया इकोनॉमी क्लास का, जैसे कि मैं आपको बताया कि 3000 पे दोस्तों किराया बढ़ा दिया, 3000 अब इसका किराया है जब से तमाम ट्रेन के जो फेयर थे वो बढ़े थे। और बिजनेस क्लास का भी आपको मैं रिव्यू दूँगा और स्पेशल डाइनिंग कार भी लगी हुई है, वो भी आपको मैं दिखाऊंगा। तो बिज़नेस क्लास का जो किराया है दोस्तों वो 7000 रुपये है फैसलाबाद तक, क्योंकि फैसलाबाद तक इसकी बिज़नेस क्लास की कोचेस जाती हैं, आगे ये कट जाती हैं फैसलाबाद। डाइनिंग कार लगी हुई है, ये मसला बन गया है, गलती से लगता है इस पर लगा दी है। अब ये इसी बिज़नेस क्लास जो है वो काट दी गई है यहाँ से, पता नहीं क्या इशू है, देखता हूँ। तो मालूम किया मैंने कि जो कनेक्टर है पावर वैन का, जैसे बिजनेस क्लास और इन सबको सप्लाई करी गई इलेक्ट्रिक से, वो टूट गई है। तो अभी ये लगा रहे हैं, आपको मैं अंदर से दिखा रहा हूँ।
ये कपलर टूट गया है, इसकी वजह से भी कपलर अटैच कर रहे हैं। अच्छा दोस्तों, ये फर्स्ट डे ही कपलिंग टूट गई थी इलेक्ट्रिसिटी की, तो अभी इसको अटैच कर रहे हैं। तो मैं आगे चलता हूँ, आपको एसी बिजनेस क्लास के रिव्यू देता हूँ। ये एक इस पर लगी हुई है, सरसियत की कोच लगी हुई है, और आगे देखते हैं क्या ये मिलत की है। क्लास में पावर वैन है, ये पहली बिजनेस क्लास है जो, जैसा कि आपको दिखाया मैंने, अंदर से आपको दिखाता हूँ मैं। ये दोस्तों बिजनेस क्लास, अभी पावर वैन अटैच नहीं हुई है, तो अभी ये आज फर्स्ट टाइम आप देख लें बगैर बिजली के कैसी लगती है। तो टाइम कम है, तो अभी ये अभी कोचेस की जो लाइट्स हैं, यानी कि जो इलेक्ट्रिसिटी है, वो अभी ऑफ है, क्योंकि जैसा कि मैंने आपको दिखाया कि वहाँ पे अभी कनेक्शन हो रहा है, कनेक्शन दिया जा रहा है पावर वैन से, वहाँ पे कपलिंग हो रही है कनेक्टर की। दोस्तों कनेक्टर हो जाए तो उसके बाद ही देखते हैं कब तक रवाना होती है। आज पहले दिन ही लेट हो रही है ये ट्रेन, मिलत एक्सप्रेस 17। अब गर्मी से बुरा हाल है मुसाफिरों का। लोकोमोटिव अटैच हो गया है इसके बिहार पे, ये पीछे जा रही कोच। आपको आज बताता हूँ कौन सा लोकोमोटिव लगेगा इस पर, आगे जाके मैं देखकर बताता हूँ आपको। फिलहाल फुल हो गई है दोस्तों ट्रेन, फुल बटा फुल। तो मैं CNR और CFI का रिव्यू देता हूँ। पहले ये CFI का रिव्यू देता हूँ, मिलत एक्सप्रेस की। CFI जो है वो 2018 की लगी हुई है इस पर। लाइटें बंद है क्योंकि अभी कनेक्शन नहीं दिया गया है, गर्मी से बुरा हाल है। ये तो दे दिया आपको। ओ भाई, इसमें तो मौजूद ही नहीं है। दोस्तों जब तक इलेक्ट्रिसिटी बहाल नहीं हो जाती, तब तक ये ट्रेन यहाँ से डिपार्चर नहीं करेगी। और आज लेट यहाँ से रवाना होगी। आपको व्यू दिखा दूँ, रश है प्लेटफॉर्म नंबर 2 पे। डिपार्चर विसल तो दिया नहीं, लगता है मुसाफिर को अलर्ट करने के लिए ड्राइवर साहब ने थोड़ी ट्रेन खींची, वापस अपनी पोजीशन पे आ गए। लोकोमोटिव मैं आपको दिखाता हूँ दोस्तों, टोटल 17 कोचेस हैं, कराची से फैसलाबाद तक 17 कोचेस, उसके आगे हाफ हो जाएंगी। लाल मूसा हाफ ट्रेन जाती पूरी। एक गार्ड वैन और एक लगेज वैन। मैं आपको लोकोमोटिव दिखाता हूँ, मेरे साथ रहिए। आज रीड करा इसको 9055। जी दोस्तों ट्रेन जो है वो तकरीबन 25 मिनट लेट हो गई है, 5 बजे से फिक्स रवाना होना था, लेकिन ये है कि आज पहले दिन ही कराची से लेट डिपार्चर होने होगी। आज ये 25 मिनट से ज़्यादा लेट हो चुकी है। फर्स्ट डिपार्चर विसल दे दिया इसने, GU40 ने 9055। GU40 का पावरफुल चगिंग। अभी देखते हैं सेकंड डिपार्चर विसल देने के बाद कब रवाना होती है। सेकंड डिपार्चर विसल दे दिया दोस्तों GU40 ने 17 अप, मिलत एक्सप्रेस 55 डेज बाद डिपार्चर कर रही है फैसलाबाद के लिए, लाला मूसा के लिए। मुबारक हो सबको फैसलाबाद, लाला मूसा जो के जो भी जहानिया वगैरह के हैं, बड़ी खुशी की बात है दोस्तों।
और ये डिपार्चर करिए कराची कैंट से। पावरफुल बीस्ट, फिर खुश हैं, ट्रेन बहाल हो गई। देख लेना, ये पहली CNR। CNR 200, ये ट्रैक की हालत कुछ ठीक नहीं है, जिसकी वजह से आपको आवाज़ें सुनाई दे रही होंगी फ्रिक्शन रगड़ की। ये है जी डाइनिंग कार, जो जैसा कि आपको मैं दिखाया, और ये बिजनेस क्लास जो कि फैसलाबाद तक जाएगी। खैरियत से मुसाफिर अपनी मंजिल तक पहुँचे, हमारी दुआ है। तो 20 अक्टूबर को दोस्तों 3 ट्रेनें बहाल होनी थी, 2 हो गई हैं अल्हम्दुलिल्लाह। अब 1 रह गई जो कि सिंध की ट्रेन है, सखर एक्सप्रेस, वो रात को 12:15 तक रवाना होती है यहाँ से। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई होगी। इंशाल्लाह अगली वीडियो में आपके साथ मैं हाज़िर हूँगा। ट्रेन वाली सरकार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।